फ्लाइट मिस ना हो जाए तो भागना पड़ रहा है। गोल्ड प्लेटेड BMW इन जर्मनी। तो जर्मनी आ गए हैं, एयरपोर्ट से निकले हैं, अभी हम टिकट करेंगे। ठीक है, तो टिकट मशीन के पास जाते हैं और टिकट करते हैं, देखते हैं कितना क्या कुछ है। क्या होता है? 4 यूरो। दो टिकट है? एक। ये मैक्सिमम 2.5 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हो सिंगल ट्रिप, और इसमें आप ब्रेक एंड ट्रांसफर कर सकते हो, बट रिटर्न नहीं हो पाएगा, ना वापस आ पाओगे। तो 4 यूरो की है, नॉट बैड। यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो इजीली, यहाँ से टिकट मिल जाएगी। दैट्स इट। हम मेट्रो पकड़ के जा रहे हैं, बस तो नहीं है हमारे स्पॉट के हिसाब से, तो चलते हैं ट्रेन के हिसाब से। तो बर्लिन में आ गए हैं, लैंड कर लिया है, अब कुछ खा के, टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं, तो कुछ खा के फिर जाते हैं वो जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ। बर्लिन सिटी सेंटर की तरफ आ गए हैं ट्रेन से। 4 यूरो लगे थे ट्रेन में, और काफ़ी वाइड है ये, काफ़ी मतलब कि देखो स्पेस देखो। ठीक है, अच्छा है, बाकी घूमेंगे तो आपको साथ में और घुमाएंगे। तो लेट्स गो। सिटी सेंटर का वो जो आपको दिख रहा है सिंबल बर्लिन का, वो यहाँ का फेमस है। ठीक है, काफ़ी ऊपर तक है यार, है ना? हो रहा दिख रहा है, हो रहा पीछे, मस्त है। बर्लिन द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। बर्लिन बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत सारे आपको स्कल्पचर्स मिल जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ का जो सिटी सेंटर है जिसको अलेक्जेंड्रा प्लाज कहते हैं, यहाँ पर आप आ जाओ। ठीक है, 4 यूरो की टिकट लगती है जिसमें आप 2 घंटे तक ट्रैवल कर सकते हो। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पर Dawn 2 की शूटिंग हुई हुई है, तो यहाँ पर लोग शाहरुख खान को भी बहुत जानते हैं। और ये सिटी सेंटर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, यहाँ से आप जितने भी आसपास घूमते रहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बर्लिन घूमना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, यहाँ की ट्रैवल भी अच्छा है, इतना महंगा नहीं है, आप अच्छे खासे मतलब 10-20 हज़ार रुपये में, मार के चलो £200 में आप अच्छे खासे घूम सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको 60-70 यूरो का रूम मिल जाएगा। ठीक है, 10-1 यूरो में आपका ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, 20-30 यूरो में आप खा सकते हो। तो ये भी इंडियन के 20-30 हज़ार में आप अच्छा खासा बर्लिन में घूम सकते हो। और बर्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ के बार वगैरह जो भी है, अगर आप पीने का शौक रखते हो तो वहाँ पे जाओ, बियर पियो बढ़िया यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है बर्लिन घूमने के लहजे से। ठीक है, इसके अंदर होटल है बना हुआ है, रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप चिल कर सकते हो, बियर पी सकते हो। यहाँ का मेन सिटी सेंटर है बर्लिन का। बर्लिन आओगे तो आपको ये जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि आप पहले देख चुके होंगे मेरी इस वीडियो में। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और मेक मी फील गुड। ऑलराइट, तो यार ये हमारे साथ हैं, ये फ़ोटो शूट चल रहा है अच्छा खासा, और ये है वर्ल्ड क्लॉक।
जो सारे वर्ल्ड का टाइम जोन बताती है। नाइस, काफ़ी अच्छा है, बस मेरे को देखना नहीं आ रहा, बात ये है। चलो कोई ना, चलता है। ये हमारे गैंग है, ये यहाँ पे एक्वामैन जैसा स्कल्पचर बना रखे हैं। एक्वामैन लगे यार, लिख रहा क्यों ग्रेट स्कूटर ऑफिस है। यह है बर्लिन का मेन, जो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे आते हैं, फोटो खिंचाते हैं। इसका नाम मैं मेंशन कर दूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लिखा तो होगा ही, ऑब्वियस है, लेकिन ठीक है। अब पास जाके देखते हैं, बनाते हैं, वो हमारी टीम जा रही है। यह यहाँ का सुंदर सा फाउंटेन है इसके जस्ट सामने, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, इसके ऊपर का व्यू ये है यहाँ से। पीछे आल्टस म्यूजियम के जस्ट पीछे ये बहुत सारे पिलर्स हैं, और यहाँ पे ये डर जिचन कनस्ट पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये व्यू है, गार्डन है, लुक। यहाँ पे बना रखे हैं काफी स्कल्पचर्स। तो लाखों पर खर्च हुआ है। ये मूर्तियां है, एक छोटी मोटी चीज थोड़ी है, आपने बनाया बहन जो करोड़ का बजट बनाया, छोड़ दिया कई करोड़ में बनी है। हाँ सही बात है, दो करोड़ खर्च आयो का चौक को ले और रिविया दिल पास जिद्दी करता टेम्पो लगा आपने तो। और सामने चौक है देख तू, इसे बनवा बन जे तो गवर्नमेंट का ही दो करोड़ है भी लागत। आप पर ली है नी? तो ये यहाँ का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये गेट, और ये देखिए फाउंटेन, फ्लावर्स देखिए कितने सुंदर सुंदर। एंड हियर इज द फाउंटेन। तो जैसा कि मैंने बताया, तो मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो सी यू, बाय बाय। और बारिश में शूट कर रहा हूँ ये मैं, तो कीप सपोर्टिंग गाइस, आई नीड योर सपोर्ट। देखो गर्म पानी आ रो, फिर अंडर डीलर ने जो बीच में आया जो का उससे मां बढ़िया अरे गेट वो आई अब देखो अरे यूं आ लो देखो बुंडस्ट है ये पर खड़े यहां अरे अब तो वन ऑफ सेंटर व्लॉग। ये हम आ गए हैं सैटर्न के अंदर, ये अलेक्जेंडर प्लेस जो स्टेशन है उसके अंदर है, मॉल जैसा है, तो आप यहाँ पे घूम सकते हो, कुछ आप ले सकते हो जो आपको पसंद हो, इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे मार्शल का ये हो गया, एडिडास के, यहाँ पे सब कुछ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ पे यहाँ पे जो आपको पसंद आ रहा है उसका म्यूजिक सिस्टम चेक भी कर सकते हो पहन के, ठीक है, ये बस बटन प्रेस करना है, गाने बजने शुरू हो जाएंगे, और चेक करो आपका अमेजिंग है राइट। ये देखो कलरफुल, कोई रंगीन हो, काफ़ी शांति भरा है बर्लिन।
शांत, लेकिन यहाँ से थोड़ी थोड़ी मुंबई की भी फील आ रही है। रंग बिरंगी बिल्डिंग्स, हल्की हल्की बारिश एंड द विस्की मार्केट बर्लिन। लेट्स गो हैव सम फन। ये बर्लिन का ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ से आप जाते टाइम कर सकते हो। यहाँ पे सिगरेट्स वगैरह सब कुछ है, वाइन बॉटल्स। ये देखो कितनी खूबसूरत बोतल है,